पांचवें चरण का मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक 56.68% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73% मतदान हुआ, झारखंड में 61.90% मतदान हुआ है, यूपी में 55.80% मतदान हुआ, बिहार में 52.35% मतदान हुआ, लद्दाख में 67.15% मतदान हुआ। तो आपको बताते हैं कि कहां कहां कितने परसेंट वोटिंग हुई है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हर चरण में हम देख रहे हैं वोटिंग हो रही है। 73% वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में। अलग अलग जगहों की वोटिंग आज आपको हम बता रहे हैं। और ये यूपी में हम देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो कम ही है और अभी भी 55.80% वोटिंग उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। इसके बाद जो अगला राज्य है वो है उड़ीसा, यहाँ पर 60.55% मतदान हुआ है। पूरे देश भर के जो आंकड़े हैं वो आपको हम बता रहे हैं। और ये अगला राज्य महाराष्ट्र, यहाँ भी जो मतदान प्रतिशत है वो कम है, 48.66% मतदान यहाँ पर हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख की, 67.15% मतदान हुआ, लद्दाख में अच्छी वोटिंग हुई है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में जो वोटिंग है वो हुई है 61.90%, झारखंड में भी वोटिंग ठीक ठाक हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ देखिए मतदान हुआ है, जब से धारा 370 हटी उसके बाद 54.21% मतदान यहाँ पर हुआ है, ये पहला लोकसभा चुनाव उसके बाद। और बिहार में 52.35% मतदान दर्ज किया गया है। तो यूपी में जो मतदान प्रतिशत है वो इस बार भी कम है, बिहार में भी वही हाल है। हालांकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, लद्दाख ये राज्य ऐसे हैं जहां पर जो मतदान है वो काफी ठीक हुआ है। जम्मू कश्मीर में 54.21% मतदान हुआ है, झारखंड में 61.90%, महाराष्ट्र में 48.66%, उड़ीसा में 7.55%। हालांकि अभी देखिए एक आधा घंटा और है और ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 15 मिनट के आसपास लगभग हैं 6 बजने में, और ऐसे में आप जाएं मतदान कीजिए। ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने आज, क्योंकि महानगरी मुंबई में भी मतदान हुआ है, तो वहां पर देखिए तमाम जो सितारे हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, गोविंदा, राजकुमार राव, इसके अलावा परेश रावल को आप देख सकते हैं, और अनुपम खेर भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे, सुनील शेट्टी, तमाम लोग जो हैं वो आज मतदान करके आए, कैलाश खेर और परिवार के साथ तमाम लोग पहुंचे थे अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए। फरहान अख्तर, परेश रावल, कैलाश खेर, राजकुमार राव, गोविंदा, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, सुनील शेट्टी, इन तमाम लोगों ने भी आज मतदान किया। राजनाथ सिंह ने भी आज मतदान किया, ये तस्वीर उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं, और देश के रक्षा मंत्री ने भी मतदान कर लोगों से अपील की। और देखिए डीएसपी प्रमुख मायावती ने भी मतदान किया और अपील की लोगों से ज्यादा मतदान करने की, और वो भी मतदान देकर आई, वो तस्वीर भी सामने आई, बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी मतदान किया। इसके अलावा ये तस्वीर आप देख सकते हैं, स्मृति ईरानी ने भी आज लाइन में लगकर मतदान किया, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी मतदान के लिए पहुंची थी, और स्मृति ईरानी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया जाकर।